बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्वर्स ऑफ अ टू बाई टू मैट्रिक्स। इस वीडियो में एक टू बाई टू मैट्रिक्स की हम इन्वर्स मालूम करेंगे। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसको हम कहते हैं। एक मैट्रिक्स जिस तरह एक नंबर्स की भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होती है, यानी एक नंबर है थ्री तो इसकी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वन ओवर थ्री है, यानी जब हम इसको दोनों मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इससे वन आता है, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वन आ जा दे देते हैं। इसी तरह टेन की मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वन बाई टेन है और टू बाई थ्री की मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स थ्री बाई टू है। यानी इसी तरह जिस तरह नंबर की मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होती है, तो इस तरह हम एक मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किस तरह मालूम करेंगे। इस वीडियो में अब हम एक मैट्रिक्स है टू बाई टू, फोर थ्री टू वन, ये मैट्रिक्स है, इसकी हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करेंगे। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। स्टार्ट कर लेते हैं सोल्यूशन। पहले फार्मूला लिखते हैं, ए इनवर्स इक्वल टू वन बाई ए डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट ऑफ ए। ए इनवर्स मालूम करने का ये फार्मूला है हमारे पास। तो इस फार्मूले में हमारे पास ए डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए ये दोनों रिक्वायर्ड है। पहले हम इनको मालूम करेंगे। फर्स्ट डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू, इस गिवन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेते हैं फोर थ्री टू वन। डिटर्मिनेंट का तरीका यह है कि इन दोनों को मल्टीप्लाइड कर ले, फोर वन और फोर नेगेटिव साइन लगाए, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाइड कर ले, टू थ्री और सिक्स इक्वल टू माइनस टू। यह ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू माइनस टू, यहाँ पर एक बात जहन में रखनी चाहिए, अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहाँ पर जीरो हो जाए तो फिर हमारा जो इन्वर्स है वो डज नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि वन बाई ज़ीरो जो है ये अनडिफाइंड फॉर्म है। तो डिटर्मिनेंट अगर ज़ीरो के बराबर हो तो इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पर सो डिटर्मिनेंट इक्वल नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, तो सो इन्वर्स एग्जिस्ट, इन्वर्स एग्जिस्ट, इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट जाते हैं एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करने के लिए। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए का तरीका यह है कि इसमें जो डायगनल एलिमेंट है, यानी ए मैट्रिक्स जो है इसकी जो ये डायगनल एलिमेंट है ये फोर और वन, इसी की जो हम जगह चेंज करेंगे, वन उधर लेके और फोर यहाँ पर ले आए, और जो नॉन डायगनल है इसकी साइन चेंज कर ले, जो नेगेटिव है इसको पॉजिटिव और जो पॉजिटिव इसको नेगेटिव कर ले, यानी प्लस को माइनस, माइनस को प्लस। पहले डायगनल्स फोर और वन, वन यहाँ लिखे और फोर यहाँ पर, दोनों की जो जगह है वो चेंज की, फिर इसके बाद इन दोनों की साइन चेंज हो जाएगी, तो ये दोनों पॉजिटिव नंबर है तो ये माइनस थ्री हो जाएगा, ये भी माइनस टू हो जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास वन माइनस थ्री माइनस टू फोर, डायगनल की जगह चेंज की और नॉन डायगनल की साइन चेंज की। फिर इसके बाद फार्मूले में दोनों वैल्यू लिखते हैं, ए इनवर्स इक्वल टू वन ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू माइनस टू है तो इसी तरह यहाँ माइनस टू लिख के मल्टीप्लाइड एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए की जगह हमने ये मालूम की है एडजॉइंट ऑफ ए वन माइनस थ्री माइनस टू फोर, ये है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाइड कर ले तो ए इनवर्स का रिजल्ट आएगा, माइनस वन ओवर टू मल्टीप्लाइड वन, माइनस वन ओवर टू मल्टीप्लाइड माइनस थ्री, और माइनस वन ओवर टू मल्टीप्लाइड माइनस टू, और माइनस वन ओवर टू मल्टीप्लाइड फोर। चारों एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाइड की फिर ए इनवर्स इक्वल टू माइनस और माइनस, माइनस वन वंस आर वन माइनस वन ओवर टू, फिर इसी तरह माइनस और माइनस प्लस थ्री वंस आर थ्री, थ्री बाई टू, और ये टू और टू कैंसल, यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस वन, और टू वंस आर टू, टू टूज आर फोर, टू वंस आर टू माइनस टू। तो ये है हमारे पास ए इनवर्स इस टू बाई टू मैट्रिक्स की। ये है इन ए इनवर्स यानी मल्टीप्लिकेट इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो इनवर्स मालूम करने का तरीका ये था, बहुत आसान सिंपल मेथड है टू बाई टू मैट्रिक्स का इनवर्स मालूम करने की। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे पास रही है। अल्लाह हाफिज़।